ये रे जी, इतनी ठंड में यहाँ पर पहुँच गई हूँ। ये नारायण बाज़ार है और ये गर्मा गर्म कॉफ़ी ली है और बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है। यहाँ बहुत सर्दी है, बला की सर्दी है, साथ साथ में रोड भी बन रहा है। और जो लोग यहाँ पर आए वो अपने साथ गर्म कपड़े और टेलीनोर की सिम लेके आए। इसके अलावा जोंग तो बिल्कुल भी यहाँ सिम नहीं चलेगी, ठीक है। टेलीनोर की सिम जो है ना वो यहाँ यूज़ होगी। और वैसे भी कल परसों तक ये पूरा बाज़ार जो है ना ये बंद हो जाएगा, ठीक है। बस मैं भी आ ही गई हूँ और अभी मैंने ना, चलो कोई बात नहीं, किस्मत ले रही है, किस्मत की बात होती है। अच्छा बाज़ार है ये भी, अच्छा बाज़ार है। ये देखें जी, मैं थोड़ा नारायण पहुंच गई हूँ और बड़ा देसी तरीका है। और यहाँ पर हम लोगों ने, बाहर बहुत शदीद सर्दी है, बारिश हो रही है, और अभी हम लोग ना ये कबाब और ये रोटी लेकर आए हैं, खाना खा रहे हैं। मैं सैफ खान की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी बहुत मेहमान नवाजी की है। थैंक यू सो मच सैफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। अरे दरवाजे की आवाज़ तो ऐसे लग रहा है जैसे कि हम हॉरर मूवी देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं कमरे में दरवाजे की काफ़ी आवाज़। और अभी लाइट ऑन कर रही हूँ, कमरा कुछ उजाड़ पुजाड़ सा है लेकिन क्या करें। लेकिन खिड़की से ये मंज़र आप देखें किस कदर खूबसूरत मंज़र लग रहा है। सामने ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये झील सैफुल मलूक वाली साइड का है। इसके पीछे ही सैफुल मलूक झील है। वैसे तो सीज़न में तकरीबन जीप वाले जो है वो 4,000-3,500 इस तरह पैसे लेते हैं, लेकिन अगर आप अभी आएंगे तो 2,000 लेंगे आपसे। वैसे भी 4 लोग बैठते हैं तो 1,000 हो गया ना पर हेड, तो कोई ऐसा मज़ायका नहीं है। सामने वाला जो पहाड़ है कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये देखें टॉप पे कितनी बर्फ पड़ी हुई है। चाय आ गई है। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पहाड़ के ऊपर आपको ये हल्की हल्की बर्फ नज़र आ रही होगी। बला की सर्दी है, बहुत सर्दी है। अभी अपने कमरे से निकली हूँ तो मैंने कहा चले पहले नाश्ता करती हूँ और उसके बाद फिर कुछ बाहर के नज़ारे आपको दिखाती हूँ। हमारे साथ ही रहिएगा। बेटा बात सुनो, मेरी सेपरेट चाय बनाना, पत्ती ज़रा ज़्यादा डालना।